पहले चीज़ हमारे पास मौजूद है ये गोल्ड फेशियल किट, ठीक है। और ये मुझे कुछ 1500 तक की पड़ी थी और मैंने ये ली थी शाह आलम मार्केट से, लाहौर से। और इसके अंदर ओवरऑल 6 पीसेस थे, जिसके अंदर हमारे पास क्लिनजर था, स्क्रब था, सबसे पहले मट मास्क भी था हमारे पास 4th नंबर पे, और ये हमारे पास है जी गोल्ड मसाज क्रीम। होपफुली ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, ये चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं, मैंने इनको इतना यूज़ किया, अब तो खैर ये एक्सपायर हो गई थी, मैंने इनको यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया। हमारे पास स्किन पॉलिश थी इसके अंदर, और इसके अंदर हमारे पास गोल्ड फेशियल क्लिनजर था, और हमारे पास इसके अंदर जी स्क्रब था जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इसमें स्क्रब भी होता है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट पील ऑफ मास्क। तो ओवरऑल अगर मैं इसका रिव्यू दूँ ना, तो ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट मुझे लगी, मतलब ये बहुत बुरी प्रोडक्ट्स में से नहीं है, अच्छी प्रोडक्ट है। अगर आपने फेस को घर पर क्लिनज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ईजी टू यूज़ है, हर डब्बी के पीछे इसकी डायरेक्शन मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन लिखी हुई है। और मुझे तो ये अच्छी लगी, आई डोंट नो कि आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि आप लोग तो जब यूज़ करोगे तभी मुझे बताओगे कि आप लोगों को कैसी लगी। इसके अलावा जो सेकंड प्रोडक्ट है मेरे पास, वो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था एक ऑनलाइन स्टोर से, ठीक है, और वो मेरे साथ एक हैंग हो गया, मतलब लाइक ये आप देख सकते हो पैकेजिंग सी होती है, ठीक है, और मैंने मंगवाई थी मेहंदी। अब मेहंदी है ये अल अरूसा वालों की मेहंदी है, ठीक है, ब्राइडल कोन मंगवाई थी इनकी, ब्लैक कोन मंगवाई थी एंड लेट रेड ऑन, ठीक है। अब जब मैंने इसको ऑर्डर किया ना, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि शायद मुझे तो बहुत अच्छी चीज़ मिलने वाली है, और मैं तो इसको बहुत अच्छे से यूज़ करूँगी, और उन डेज़ में ईद भी आ रही थी, मतलब ये मुझे मंगवाए हुए 6 to 7 months हो गए हैं, एंड इवन मेरे पास स्क्रीन शूट्स भी थे। तो पहले तो मुझे ये बहुत इशू हुआ कि सिर्फ ब्राइडल मेहंदी का कलर अच्छा था, ना ही रेड मेहंदी सही काम कर रही थी और ना ही ब्लैक मेहंदी। अब जो रेड मेहंदी थी ना, उसको निकलने में बहुत इशू हुआ, तो मैंने उनको काफ़ी मैसेजेस किए, उन्होंने मुझे कहा कि जी आप इसमें पिन डालें, और वो पिन डालेंगे तो ये ठीक हो जाएगी, तो शायद आपकी मेहंदी निकल आए, शायद का बट उन्होंने यूज़ नहीं किया, और मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी डिलीट हो गए, क्योंकि मैंने अपना फ़ोन चेंज किया अभी पिछले दिनों, तो वरना मैं आपको सब स्क्रीनशॉट्स दिखाती। जो सबसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ का इशू आया ना, ब्लैक मेहंदी का, ये निकल ही नहीं रही थी, और जब ये निकलती थी, ये अभी भी आप देखोगे ये नहीं निकलती, मैं इसको इतना पुश कर रही हूँ बट ये नहीं निकल रही, ये निकल ही नहीं रही थी। और जब मैंने इसको लगाया था तो मेरे ओवरऑल हाथ जो थे वो सारे ब्लैक हो गए थे, इसका कोई कलर नहीं था, इसका टेक्सचर इतना गंदा था कि लगाने के बाद इसको पील ऑफ भी नहीं कह सकते, अजीब सा। उस टाइम पे अजान होने लगी थी तो मैं अपनी वीडियो को कंप्लीट नहीं कर सकी, बहरहाल मुझे उस मेहंदी से बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, और मैं जब भी उनसे बात करती थी उन्होंने मुझे ब्लॉक नहीं किया हुआ था, ये चीज़ अच्छी थी, वरना अगर किसी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकलता तो वो लोग ब्लॉक कर देते हैं या धोखाधड़ी करते हैं, जबकि ऐसा नहीं था, लेकिन स्टिल उनके जवाब प्रॉपर नहीं थे। मेरे से एक बहुत बड़ी ये मिस्टेक हुई कि मेरा फ़ोन चेंज करने की वजह से मेरे पास स्क्रीनशॉट्स डिलीट हो गए, वरना मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती कि बहुत रफ से उनके मैसेजेस थे, कि जैसे अगर मैंने उनको कहा है कि भाई मेहंदी नहीं उस पॉइंट से निकल रही, तो उनका जवाब होता था मैम हमने तो सही दी है, या पिन डाल लें, इस तरह करके, जो प्रोफेशनल नहीं था। मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी, तो फॉर मी इट वॉज ज़ीरो, मे बी इन माइनस, ठीक है, अगर आपको डील करना नहीं आता तो आई थिंक यू आर माइनस। तो मैं तो आइंदा यहाँ से बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं लूँगी, करवाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं मंगवाऊँगी। बाकी बहरहाल आई डोंट नो बाकी सबका एक्सपीरियंस कैसा गुजरा है। फॉर दिस इस टाइम के वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।